हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये बच्चों की फेवरेट है, साथ में बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी। तो उसको बनाने के लिए ना तो हमें ओवन चाहिए, ना कढ़ाई, ना मैदा, ना बेकिंग पाउडर, हमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं चाहिए। मैंने सिंपल सा हाइड एंड सीक बिस्किट लिया है। ये हमें मैं यहाँ पर हाइड एंड सीक बिस्किट का यूज कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे बिस्किट पसंद नहीं है तो आप अपने पसंद का कोई भी, जैसे पार्ले जी, मारी गोल्ड और ओरियो, कोई भी बिस्किट आप ले सकते हो अपने बच्चों के हिसाब से। सबसे पहले हम बिस्किट के पैकेट को खोल लेंगे। ऊपर का जो ये प्लास्टिक है इसको हम हटा देंगे और सारे ही बिस्किट हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। और ये बिस्किट के अंदर में पहले से ही इस तरीके से चॉकलेट आती है, तो हमें इसके अंदर में कोको पाउडर और चॉकलेट कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने सारे ही बिस्किट को इस तरीके से निकाल लिया है। और ये वाला केक बनाने में आपको 10 मिनट का ही समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मैंने एक मिक्सर का जार लिया है, उसके अंदर में बिस्किट को हमें इस तरीके से तोड़ के डाल देंगे। और इसका हमें एक ऐसा फाइन पाउडर बना लेना है, जैसे हम मिक्सर में थोड़ी देर घुमाएंगे तो इस तरीके का ऐसा इसका बारीक पाउडर बन जाएगा। एक बाउल के अंदर में इसको डाल देंगे और दोबारा का भी हम पीस लेंगे। और ये बिस्किट हमारा पीस के तैयार हो गया है, तो इसको हमें फिर से बाउल के अंदर में डाल देंगे। तो ये हमारा मिक्सर बन के तैयार हो गया। मैं आपको इसको पास से दिखा रही हूँ, ये इस तरीके का दिख रहा है। और इस तरीके का हम एक विस्कर लेंगे और दूध लेंगे, और दूध को हमें पहले थोड़ा ही डालना है। थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे और दूध हमें धीरे से डालेंगे ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए। और मैंने थोड़ा डाल दिया है और उसको इस तरीके से घुमा लेंगे। बस आपको एक मिनट ही घुमाना है, आपका मिक्सर बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके का बन के तैयार हो गया है। थोड़ा हम इसमें और ऐड करेंगे। मिल्क डालने के बाद में हम इसको एक बार का और घुमा देंगे। और जैसे आपको ऐसा लगे आप केक बना रहे हो, अगर आपका बैटर पतला हो गया है तो आपको इसके अंदर में थोड़ा बिस्कुट और ऐड कर देना है। ये देखिए, हमारा इस तरीके का बैटर होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके का ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। छोटे केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर अप्पे पैन का प्रयोग कर रही हूँ। अप्पे पैन को हमें सबसे पहले इस तरीके की ग्रीस कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल लगा के। पैन हमारा अच्छे से ग्रीस हो गया है। 1/4 टीस्पून के जितना हम इसमें इनो ऐड करेंगे। इनो हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम डालना है। और इसको डालने के बाद में ऊपर से थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये बैटर हमारा एकदम थोड़ा ऐसा फ्लफी जैसा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके का ये हमारा फ्लफी हो गया है। और इसको हम फटाफट से अप्पे वाले पैन में एक एक चम्मच करके पूरा बैटर इस तरीके से डाल देंगे। फ्रेंड्स, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ ना कुछ ज़रूर कर देना। तो देखिए, हमारा अच्छे से पैन के अंदर में हमने सारा ही बैटर भर दिया है और इसको इस तरीके से ढक देंगे हम। ये हमने ढक दिया है और मैंने गैस को चालू कर दिया है। गैस की फ्लेम को हमें एकदम ही लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। और केक को हमें खाली 10 मिनट के लिए ही इसको इस तरीके से बेक करना है। और 10 मिनट के बाद में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो देखो, 10 मिनट हो गया, हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए, यह हमारा केक बन गया है। हमने एक टूथपिक लिया है और इसके अंदर इस तरीके से डाल के देखेंगे। अगर ये इसके ऊपर नहीं चिपकता है तो हमें समझ जाना कि हमारा केक बन गया है। और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको अंदर से बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर में। और ये केक खाने में इतना अच्छा लगता है, जैसे आप इसको टी टाइम भी खा सकते हो, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और टेस्टी भी है। तो हमारा सारा ही केक हमने बाहर निकाल लिया है। और ये देखिए, मैं आपको इसको दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट लग रहा है ना। आप इसको एक बार खाएंगे तो आप बाहर से जो कप केक वगैरह मिलता है ना, वो ख़रीदना ही भूल जाएंगे। और केक हमारा बन गया है, तो इसको हम चॉकलेट सिरप से थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। आप अपने पसंद का कोई भी चॉकलेट सिरप या हनी भी डाल सकते हो। तो मैंने इसको इस तरीके से गार्निश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। साथ में मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी, आप सबको थैंक यू। मिलते हैं एक नई रेसिपी